सिंपल डाइट प्लान टू लूज 2 to 3 kgs इन ओनली 2 days. अगर आप भी अपना रिसेंटली पुट ऑन किया हुआ वजन जल्दी से घटाना चाहते हैं, किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, मनपसंद कपड़े पहनना चाहते हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं अपनी वेकेशन पे और आपको चाहिए अपनी ड्रीम बॉडी, या आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं लेकिन वजन नहीं कम होता, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपना बड़ा ही मजेदार सिंपल डाइट प्लान, जिसमें आप सिर्फ 2 दिन में 2 से 3 किलो घटा सकते हैं। आज की जो डाइट है वो बड़ी ही साइंटिफिक डाइट है। जी हाँ, आ जाइए सबके सब अपने कॉपी पेन ले करके और जल्दी से नोट्स लेने शुरू कर दीजिए। इस डाइट में मैंने कम से कम 2 से 3 किलो आसानी से सिर्फ 2 दिन में कम किया था, लेकिन ये हर किसी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, वो कितना वजन घटाएंगे, उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है। अब मेरा अगर एग्जाम्पल लें तो मैंने पूरे दिन में जब ये डाइट फॉलो करी, ना ही मुझे वीकनेस हुई, ना ही मुझे नींद आई, ना ही मुझे लथार्जी हुई, क्योंकि मैंने इस डाइट को पूरे तरीके से उसके टाइमिंग्स पे फॉलो किया था। उम्मीद करती हूँ आप सब के सब कॉपी पेन लेके तैयार हैं डूज एंड डोंट्स नोट करने के लिए, तो जल्दी से नोट करते हैं। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज तक मिलवाने में। तो अगर आप भी इस डाइट से 2 से 3 किलो कम करना चाहते हैं, तो आपको नमक बहुत ही कम लेना है इस डाइट में इन 2 दिन के दौरान, और आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है खूब सारा, कम से कम 15 से 20 ग्लास, और आपने सिर्फ टोन्ड मिल्क लेना है, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी फैट ना हो, और आपने फ्रूट्स लेने हैं कौन से, जैसे कि एप्पल हो गया, पपीता हो गया, मौसमी हो गई, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, और गुआवा ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, और बाकी के फ्रूट्स इन 2 दिन के लिए आपने अवॉइड करने हैं, और आपने पोर्शन कंट्रोल पे पूरा पूरा ध्यान देना है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी उस क्वांटिटी 1 इंच भी ज़्यादा आपने नहीं खाना है, प्रॉमिस। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डोंट्स इस डाइट के, यानी कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा 2 से 3 किलो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट पर है पैकेज फूड्स, इनको तो कम्प्लीटली अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि इस डाइट में आपको ये क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस आपके लिए ऐसी डाइट है जिसमें आपको आलतू फालतू किसी भी चीज का खाने का मन नहीं करेगा। और तो और आपने इस डाइट के दौरान बिल्कुल भी शुगर को नहीं लेना है। 2 दिन परहेज करके देखिए, फिर देखिए जादू होने वाला है। और तो और पैकेज फूड्स नहीं लेने, शुगर फूड्स नहीं लेने, हाई सॉल्ट फूड्स नहीं लेने, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं लेना, पिकल्स एंड पापड़ को भी हमने अवॉइड करना है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन ये सिंपल डाइट प्लान है क्या, तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सिंपल डाइट प्लान का नाश्ता। इसमें आपने सुबह सुबह उठ के 2 या 3 ग्लास गर्म पानी का सेवन कर लिया है, चाहे उसमें नींबू डालिए, शहद डालिए, जो मर्जी, जो भी आप लेते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर उसको ले सकते हैं। और कम से कम आधा घंटा वॉक करिए, मेरे एक्सरसाइज वीडियोस देखिए, खूब सारी एक्सरसाइज करिए, स्किपिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, बट आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर करना है। और फिर आती है नाश्ते की बारी, इट इज 9 AM। जी हाँ, मैं तो अपना नाश्ता करती हूँ तकरीबन 9 बजे तक, और मैं इसमें ले रही हूँ एक मल्टीग्रेन टोस्ट। रिमेम्बर मैंने आपको डूज की लिस्ट बताई थी, उसमें मल्टीग्रेन टोस्ट का जिक्र मैं भूल गई थी। तो डूज की लिस्ट में आपने ब्राउन ब्रेड, मैदा ब्रेड, कोई भी और ब्रेड नहीं लेनी जो कि मैदा की तरह ही होती है, सिर्फ उसमें ब्राउन कलर डला होता है। हम लेंगे मल्टीग्रेन ब्रेड विद 1 whole apple। और अगर नाश्ते की प्लेट इतनी मज़ेदार सजी हुई हो तो और कोई क्या कुछ और खाना चाहेगा। और इस टोस्ट में मैंने डाला है बहुत ही कम पीनट बटर, क्योंकि उससे टोस्ट का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाता है, 1/2 teaspoon। और हम इस नाश्ते के साथ साथ में 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, भूलिएगा नहीं, टोन्ड मिल्क ही अलाउड है। और आप ले सकते हैं चाय, कॉफ़ी, जी हाँ, गुड न्यूज़, चाय कॉफ़ी सब अलाउड है। अब इतना भी मैं आपको नहीं तड़ पाऊंगी कि आपको आपका मनपसंद चाय कॉफ़ी ना दूँ। अब सीधा चलेंगे हम लोग लंच की तरफ, नो मिड मॉर्निंग स्नैक। अब नाश्ता तो कर लिया, लेकिन 12:30 जब तक लंच नहीं लगता क्या ले सकते हैं,
कुछ नहीं, एज यूजुअल पानी पीजिए। आपके शरीर को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट है, सब कुछ फ्लश आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पता भी नहीं चलेगा कब 12:30 घड़ी में बज जाएंगे। एंड टाडा, इट इज लंच टाइम। जी हाँ, ये देखिए मैंने क्या बनाया है, बहुत ही बढ़िया मजेदार पुलाव। ये है हमारा तवा पुलाव, बहुत ही कम ऑयल के साथ बना है। उसके साथ मैं ले रही हूँ सैलेड, और मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी कर्ड, जो कि सिर्फ टोन मिल्क से बनती है। आपको भी अगर कर्ड बनाना हो तो टोन मिल्क का ही इस्तेमाल करिए। अब जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ कि इसका क्या टेस्ट है। नेक्स्ट लेवल, पता ही नहीं चल रहा कि ब्राउन राइस भी है। क्या आप जानते हैं ब्राउन राइस और बासमती राइस में ज्यादा फर्क नहीं है? हर बासमती राइस बासमती भरने से पहले ब्राउन ही होता है। अब जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने पहले डाला थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, और हमने डाला इसके अंदर प्याज, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा करारा पसंद है कि नहीं सबको। फिर हम डाल देंगे थोड़ी कटी हुई सब्जियां, अपनी मन पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से। मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी घर में, मैंने सब डाल दी, क्योंकि सब्जियों से हमें मिलता है न्यूट्रिशन, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स का जो पोषण है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमें क्रेविंग्स होने से रोकता है, हमें बार बार जो भूख लगती रहती है फालतू में, बिल्कुल टाइम वेस्ट, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप इस पुलाव को ऐसे ही बना के खाएंगे। और सब्जियां डालने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले, इसको चटपटा बनाएंगे। किसने कहा डाइटिंग का फूड बिल्कुल बोरिंग होना चाहिए? लिस्ट आपको इंग्रेडिएंट्स की मैं बिल्कुल दे दूंगी यहाँ पर। इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है पाव भाजी मसाला। बहुत ही चट, बाहर का तवा पुलाव होता है ना जो आपको रोड साइड पे मिलता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि ये है बहुत ही स्वच्छ, एकदम घर का शुद्ध देसी, कम से कम तेल में बना, स्वाद उससे भी बढ़िया। इसके अंदर हमने थोड़े से ड्राई मसाले डाले हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, और हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा बोल ब्राउन राइस का, यानी कि 1/4 प्लेट, जो कि आपको बाहर भी मिलता है पर प्लेट के हिसाब से। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिया खूब सारा कटा हुआ धनिया, और इसको हमने सजा दिया अपनी थाली में, और मजे से इसी प्रकार से आप भी खाइए और इसको बनाइए। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा कि आपको ये वाला पुलाव कैसा लगा। अब तक तो हमने अपना लंच कर लिया है, लेकिन 4 बजते ही मेरी गारंटी है, घड़ी में देख लेना, आपको लगने वाली है भूख। तो उस टाइम पे आप लोग क्या खाएंगे? ज्यादा कुछ नहीं, रेडी। ये देखिए कितना मजेदार और कितना टेस्टी लग रहा है। तो अब इसे कहते हैं हेल्दी पोहा। हेल्दी पोहा यानी कि इसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाली हैं, खूब सारा इसके अंदर वो सारा सामान है जो हमें देगा वेट लॉस, 2 से 3 किलो सिर्फ 2 दिन में। क्योंकि एक तो हमने करा है पोषण कंट्रोल, और हमने पूरा पूरा ध्यान दिया है कि हम इसके अंदर कम से कम तेल और कम से कम नमक डाल रहे हैं। तो इस साइड में इस वीडियो को देखना ना भूलें, उसमें पूरी रेसिपी दी गई है। बट पहले मैं आपको खा के बता दूं ये कैसा बना है। पोहो में पोहा, ये वाला पोहा सबसे बेस्ट है। खा के देखिए, घर वालों को भी खिलाइए, सब लोग खाइए, इससे हेल्दी कुछ नहीं है। कम से कम तेल में बनाना है, नॉनस्टिक का यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, और फिर देखिए कितना टेस्टी बनेगा। तो इस पोहा को बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा तेल, सरसों, कड़ी पत्ता, प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, उन सबको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम कटी हुई सब्जियां डाल देंगे जो कि कच्ची हैं। मैंने यूज किया है मटर, गाजर, बीन्स, और फिर मैं इनको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर इस प्रकार। फिर हम इसके अंदर पोहा डाल देंगे। पोहा तो आपको पता ही है अलग अलग प्रकार का आता है, तो हम क्या करेंगे, पोहा को थोड़ी देर रनिंग वाटर के नीचे चलाएंगे, एक स्ट्रेनर यानी कि छन्नी में लेकर के। उसको हमने भिगोना नहीं है, सिर्फ हमने उसको धोना है। तो उसको धोने के बाद उसका पानी फेंक देंगे, और हम पोहा को ट्रांसफर करेंगे अपने पैन के अंदर। लेकिन
पैन में पहले हमने कुछ मसाले भी डाले हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बड़े ही बेसिक। हर मम्मी, नानी, दादी इसका जरूर इस्तेमाल करती है और इस पोहा को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्रंच आ रहा है क्योंकि जो सब्जियां डली हैं इसमें, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है, जितनी भी सब्जियां उसका मीठा मीठा सा टेस्ट भी आ रहा है, नमक की बिल्कुल भी कमी नहीं लग रही। आप नोट करिएगा, मैंने नमक बहुत ही कम डाला है इस रेसिपी में, क्योंकि हमने ये पूरे 2 दिन बहुत ही कम नमक खाना है ताकि हमारी बॉडी में डी ब्लोटिंग हो। हमारे को कईयों को पैर फूलने की प्रॉब्लम होती है, हाथों में वाटर रिटेंशन हो जाती है, पूरी बॉडी में पेट फूल जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा इस डाइट में। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई शक है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इस डाइट को फॉलो करने से पहले अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना ना भूलें। और फिर हमने पोहा को ख़त्म किया और हमने उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा धनिया और नींबू। अब हमने इसकी प्लेटिंग कर दी। मेरी कारीगरी देखना ना भूलें। कुछ एक ट्रिक तो मैं भी आपको सिखा सकती हूँ कि इसकी प्लेटिंग के लिए इसको कटोरी में कैसे हमने पलट के बनाया है। तो कटोरी का डिज़ाइन तो हमने बना दिया, लेकिन आपने पूछा ही नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि हमने करना है पोर्शन कंट्रोल। आपने भी सिर्फ एक कटोरी पोहा ही खाना है, पूरी प्लेट को नहीं भरना है। याद रखिएगा, ये चाय का टाइम है, विच मीन्स स्नैक। इस टाइम पे आप अपनी चाय, कॉफी, कुछ भी और ले सकते हैं। एवरीथिंग इज अलाउड। चीनी का सेवन बिल्कुल मना है, इस चीज को ना भूलें। मैं तो चाय कॉफी से काफी आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ लेती हूँ ग्रीन टी। तो अगर आप जल्दी से वेट लॉस देखना चाहते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी डिनर टाइम पे। तो कैसा चल रहा है आप सबका दिन? उम्मीद करती हूँ दिन के ढलते ही आप सबकी एनर्जी एकदम है जोरों शोरों पे, क्योंकि मैंने आपको दी है साइंटिफिकली प्रूवन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत ही कम है। तो डेफिनेटली आप सबका वजन भी कम होगा, एनर्जी भी हाई रहेगी। लेकिन डिनर का क्या? डिनर है ना, आपने लेना है एक ग्लास दूध और एक बोल पपाया। जी हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन अगर आपने वाली डाइट कर ली तो आपकी बेली हो जाएगी फ्लैट और वजन हो जाएगा कम। तो अब आपने डिनर में लेना है एक ग्लास दूध। कौन सा वाला? टोन्ड मिल्क। जी हाँ, बिल्कुल भी मत भूलिए, हमने यहाँ पे फैट बिल्कुल नहीं लेना पूरे दिन में। तो एक ग्लास टोन्ड मिल्क और एक बोल ऑफ पपाया। एंजॉय करिए, जल्दी से सो जाइए। मैक्सिमम 10 PM तक आप होने चाहिए बेड में, विदाउट योर फोन, विदाउट योर गैजेट्स। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप लोग भी अपना वजन बहुत ही जल्दी ऐसे ही कम कर लेंगे जैसे मैंने किया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको इन दोनों रेसिपीज में से ब्राउन राइस पुलाव या फिर पोहा कौन सी वाली ज्यादा पसंद आई। और मैं मिलूंगी आपको खूब सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। लेकिन इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।